हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है एक्सपर्ट नॉलेज। आज फ्रेंड्स, इस वीडियो में SSB के मेडिकल टेस्ट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर दीजिएगा। मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। फ्रेंड्स, जो आप स्टार्टिंग में जो टेस्ट देख रहे हैं, ये दोस्तों आपका कान का मेडिकल होना है आपका, ठीक है दोस्तों? आपके कान में मैल नहीं होना चाहिए और आपका कान अच्छे से, मतलब कि अंदर से ठीक ठाक होना चाहिए। और जो आपका कान का पर्दा है दोस्तों, वो ढीला नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों? आप लोग जो हेयरफोन यूज करते हो अपने, मतलब सॉन्ग सुनने के लिए, वो थोड़ा कम यूज कीजिए, क्योंकि उसको लगाने से आपके कान के पर्दे ढीले हो जाते हैं और उनमें सुराख हो जाता है। सो प्लीज दोस्तों, उनका हेयरफोन का यूज थोड़ा कम करें, ठीक है दोस्तों? आप दोस्तों, जो आप ये सेकंड पॉइंट देख रहे हैं, इसमें आपकी आंखों की पुतलियां चेक की जाती हैं कि आपकी पुतलियां कैसी हैं, कैसी नहीं है। फ्रेंड्स, इसमें मतलब आपकी आंखों को बैटरी मारी जाती है। अगर आपकी आंखों को बैटरी मारने से आपकी पुतलियां फैल जाती हैं तो आपका पॉइंट है। अगर आपकी पुतलियां नहीं फैलती हैं आंखों में, तो आपका पॉइंट नहीं है, ठीक दोस्तों? आप जो ये थर्ड पॉइंट देख रहे हैं, इसमें आपके पैर के तलवे में गैप होना चाहिए। जो आप ये सेकंड पिक देख रहे हैं, इसमें ये गैप हुआ है और इसमें गैप नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये आपका मेडिकल पॉइंट है, ये आपका मेडिकल पॉइंट नहीं है दोस्तों। इस पॉइंट के बारे में बस मैं आपको इतना कहूंगा, जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है, वो अपने पैर को सीधा रखें, ठीक है? मतलब पंजों के बल ना चलें, बिल्कुल पैर को सपाट धरें, सीधा धरें, ठीक है फ्रेंड्स? अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। अब जो फोर पॉइंट देख रहे हैं, इसमें आपकी नाक की हड्डी सही होनी चाहिए अंदर से दोस्तों, ठीक है? आप देख रहे हैं इस पिक्स में फ्रेंड्स, ये आपका मतलब ये नाक एकदम सही है, ये फ्रेंड्स आपका पॉइंट है, मेडिकल पॉइंट है, ठीक है दोस्तों? आपकी इस प्रकार से होनी चाहिए बिल्कुल। आपका नाक, जो नाक की हड्डी होती है फ्रेंड्स, वो एकदम सीधी होनी चाहिए। आप बचपन में कहीं गिर गए या पड़ गए होंगे तो फ्रेंड्स आपको पॉइंट मिल सकता है। तो अपने डॉक्टर से जरूर जांच करवा लें दोस्तों, अगर आपको थोड़े से बहुत संदेह इसके बारे में, ठीक है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। फ्रेंड्स, जो आप नेक्स्ट है या फाइव नंबर पे आप जो पॉइंट देख रहे हैं दोस्तों, इसमें आपका ये रॉन्ग है, ये सही है, ये सही है दोस्तों, ठीक है? आपके पैरों के बीच में दोस्तों गैप होना चाहिए, ठीक है दोस्तों? चाहे आपका सिर्फ 5 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर कितना भी हो दोस्तों, गैप होना चाहिए। मैं बस आपसे इतना कहूंगा कि आपका गैप होना जरूरी है। अगर आपके पैर ऐसे हैं तो आपका मेडिकल पॉइंट है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये पॉइंट ठीक करना है तो अपने पैरों के बीच में तकिया रख के सोए रात में। हाँ फ्रेंड्स, अपने पैरों के बीच में तकिया रख के सोए, इससे आपका पॉइंट 10 या 15 दिन में क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है? आपके एकदम सही, आपका पैर में गैप हो जाएगा बीच में, ठीक दोस्तों? आप जो नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, इसमें आपसे मतलब कि ये वर्ड्स पढ़वाए जाएंगे, जैसे आपको ई पढ़वाया जाएगा, जेड पढ़वा लिया जाएगा, डी पढ़वा लिया जाएगा, वो फ्रेंड्स अपनी उंगली जहां भी रख देंगे, आपको वही वर्ड पढ़ के बताना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स? अब बात कर लेते नेक्स्ट पॉइंट के बारे में दोस्तों। जो आप ये पॉइंट देख रहे हैं, ये आपका कलर ब्राइननेस का पॉइंट है। जिन मेरे फ्रेंड्स को इसमें जो ये नंबर दिया गया है वो नहीं दिख रहा है, उनका पॉइंट कलर ब्राइननेस का है दोस्तों, ठीक है? मैं आगे चलता हूँ दोस्तों। इसमें भी एक नंबर दिया गया है, इसमें भी मतलब अगर जिन मेरे फ्रेंड्स को ये नंबर दिख रहा है, उनका कलर ब्राइननेस का पॉइंट नहीं है, और जिनको नहीं दिख रहा है उनका कलर ब्राइननेस का पॉइंट है दोस्तों, ठीक है फ्रेंड्स? ये नंबर भी आप देख सकते हैं, ये नंबर फ्रेंड्स 3 है, ठीक है? जिन मेरे फ्रेंड्स को ये नंबर नहीं दिख रहा है, उनका कलर ब्राइननेस का पॉइंट है, और जिनको दिख रहा है उनका पॉइंट नहीं है। ये 5 नंबर है दोस्तों, ये 57 है, ये 45 है फ्रेंड्स, और ये 6 है फ्रेंड्स, ये 26 है। दोस्तों, आप जो ये देख रहे हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपसे मतलब ये जो ग्रीन वाली लाइन है, आपको बस हाथ रख के बतानी है उनको कि आप मतलब किस तरह से आप देख रहे हैं इस लाइन को। आपको सिर्फ इस लाइन पे हाथ हाथ अपनी उंगली उंगली फेरनी है बस, जस्ट, और कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, ठीक है? जिन मेरे फ्रेंड्स को पीछे वाले वर्ड्स नहीं दिखे थे दोस्तों, जिनको ये रॉन्ग वर्ड्स थे, जिनके रॉन्ग नंबर थे दोस्तों, उनका कलर ब्राइननेस का पॉइंट है दोस्तों। और जिनको एकदम सही रहे हैं उनको बताइए दोस्तों, ठीक है? आपका पॉइंट नहीं है कलर ब्राइननेस का, आप एकदम सही हैं, आपका पॉइंट कलर ब्राइंडनेस का बिल्कुल भी नहीं है, जिनको ये वर्ड दिखे थे अभी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर दीजिएगा। एंड फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।